वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे माय फिटनेस जर्नी या ट्रांसफॉर्मेशन में कह सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप इतने कैपेबल कैसे होए कि आप खुद को भी ट्रांसफॉर्म कर सके, अपनी लाइफ को मेंटली फिजिकली ट्रांसफॉर्म कैसे करें। सो लेट्स बिगिन। 10th क्लास इन 2017 जबकि बात है, मैं एक बार केमिस्ट के पास गया तो उसने मुझे टोक दिया कि ब्रो कैसा लीन है तू, कमजोर टाइप। सो वो बाद में को हिट कर रहे हिट। उस दिन मैंने ठान लिया कि अपना स्टेटस बदल दूँ, वो पूरा का पूरा स्टेटस। सो उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया नॉर्मली। यार उस टाइम मेरे से एक खाली बारबेल नहीं लगता था, बेंच, खाली बेंच बारबेल, पुल अप नहीं लगता था, एक सिंगल पुल अप नहीं लगता था। बट मैंने हार नहीं मानी। मैं उस टाइम पे 4 बजे उठ के अपना शेक पी के 5 बजे सबसे पहले जिम जाता था। मेरे पे साइकिल हुआ करती थी और मेरे घर से जिम कम से कम 2 किलोमीटर दूर था, तो मैं जाता था सुबह रोज डेली, चाहे बारिश हो रही हो, गर्मी हो, ठंड हो, मैं जाता था केला। देन उसके बाद मेरा स्कूल वो भी वॉक करता था, मैं स्कूल भी जाता था सुबह से आके। देन वही डेली रूटीन जो बच्चों की होती है। सो आफ्टर सम टाइम मम्मा सजेस्ट मी टू आस्क योर ट्रेनर फॉर सम डाइट एंड न्यूट्रिशन। सो मैंने भी अगले दिन उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने मेरे को बोला एक काम कर, मेरे से एक डब्बा ले ले, वो खा के तू बॉडी बिल्डर बन जाएगा, 4 दिन में तेरे ऐसे यू फूल जाएगा। मैं भाई हम भी खुश हो गए, चलो भाई हम भी बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। अब इतनी समझ थी नहीं क्या था क्या नहीं था, उन पर भरोसा था ना, गुरु जी थे ना, गुरु जी बोल रहे थे, इंडियन गुरु जी, यू नो। सो मैंने वो यूज़ करा उनका फेक प्रोडक्ट जो आप समझ सकते हो इंडियन गुरु जी वाले, तो मेरा ग्राफ बढ़ा। उसमें क्या था, सिर्फ फैट परसेंटेज था, वाटर एंड एंजल था, दिखने में तो अच्छा था, पब्लिकली वाह वाह हो रहा था, लेकिन जैसे वो ग्राफ डाउन गया मेरे साइड इफेक्ट इतने आ गए, स्ट्रेच मार्क्स बॉडी में एक्ने आ गए पीठ पे, देन मेरा लीवर किडनी में इतनी प्रॉब्लम्स होने लगी थी, मतलब काफ़ी डैमेज हो गया था हद तक, और मेरे को फीवर इतना हाई रहने लगा था, और मैं सारा मेरा ग्राफ जो जो मेरा नॉर्मल ग्राफ था वो भी मेरा डाउन चला गया था बॉडी का। मेरे सारे फिटनेस लेवल थे, मेन स्टेमिना वगैरह इंड्योरेंस सब डाउन हो गया था। मैं 3-4 महीने घर पे था उस टाइम, तो मेरा दिमाग ऐसा हो गया था, मैं कहा बस अब नहीं जाना जिम, भरोसा उड़ गया था इस। देन फिर मेरे को याद आया कि मैंने खुद से क्या प्रॉमिस किया था कि मेरे को अपने स्टेटस बदलना है, तो मैंने फिर खुद पढ़ना स्टार्ट करा फिटनेस के हर चीज़ के रिलेटेड, डाइट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, एक्सरसाइज क्या है, बॉडी मूवमेंट, मसल, ऑल ओवर थिंग जो फिटनेस से रिलेट करती है, बॉडी से रिलेट करती है। मैंने खुद पढ़ना स्टार्ट किया गूगल से, यूट्यूब से, सब जगह से, जहाँ से जो सीखने मिलता मैंने सीखा। फिर ऐसे धीरे धीरे फिर मैं अपने ट्रेनर खुद बना, मैंने खुद को काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म किया नेचुरली। मेरा 12th का लास्ट एग्ज़ाम था, उसके जस्ट बाद मैंने अप्लाई करा सर्टिफिकेशन के लिए, एडवांस पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन के लिए। मैंने वो भी डन करा, जैसे आप देख सकते हैं, देख रहा हो तो एक क्लियर। सो इन सबके बाद मैंने इंटर्नशिप भी करी, मैंने जॉब भी करी अच्छे अच्छे ब्रांड्स में, कमर्शियल जिम्स में। मैंने कितने लोगों के साथ ट्रेन करा, कितने लोगों को ट्रेन करा, सबको एक्सपीरियंस लिया, सीखा, बड़े बड़े लोगों से मिला, मैं बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को इस जर्नी में। अब मेरे को आगे भी
बात करते, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में वो कहा था कि आप खुद कैसे कैपेबल होंगे, तो मैंने सोचा कि मैं एक पूरी प्रॉपर सीरीज बनाऊं, उसमें मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगा, एनाटॉमी का, न्यूट्रिशन का, मसल का, A to Z, एक प्रॉपर ट्रेनर का कोर्स, जैसे मैं एक पूरी प्रॉपर सीरीज बनाऊंगा। सो अभी कोरोना चल रहा है तो वर्कआउट तो हो नहीं पा रहा है, काफ़ी टाइम से घर पे ही है, सारे मसल गेन लूज हो चुके हैं, तो कोई नहीं, जल्दी सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, सब अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। देन अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए एंड शेयर तो जरूर करिए।